इस मुल्क का अगर कोई तरीका है बदलने का वो एक ही है, वो है इल्म के जरिए, साइंस के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए और उसके नतीजे में जो खुद एतमादी पैदा होती है। यही ख्वारिज्मी साइंस सोसाइटी का मकसद था जब 1997 में डॉक्टर सादत अनवर सदीकी और मेरे वालिद ने इसे कायम किया। अब ये एक ऐसी तहरीक बन चुकी है जो स्पॉन्टेनियस है, जो बढ़ती जा रही है। तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है साइंस को लर्न करने की, साइंस को देखने की, साइंस को सीखने की। इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं उन बच्चों में आप ये समझ लें कि उनकी मेंटल पोच को रेज करती है। इनक्रेडिबल मेला है जनाब, पूरे लाहौर से मुख्तलिफ स्कूलों से लोग आए हुए और इतने क्रिएटिव बच्चे, इतने क्रिएटिव किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं। इस तरह के मेले और होने चाहिए ताकि एजुकेशन, साइंस, सोच की फरोग हो पूरे पाकिस्तान के अंदर। डॉक्टर सादत अनवर सदीकी स्टार्टेड द ख्वारिज्मी साइंस सोसाइटी। उनकी ये मुसलसल काबिश रही साइंस को आम लोगों तक लेकर आना,
साइंस को दिखाना, साइंस का मुजाहरा करना, साइंस को समझाना, और हर लेवल की साइंस है यहाँ पर। स्कूल्स भी हैं जो अपने अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आए हुए हैं। ऑन दी अदर एंड सन जैसे जो दुनिया के साइंस के फ्रंटियर्स पर काम कर रहे हैं, उनकी भी यहाँ पर प्रेजेंस मौजूद है। इस तरह पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, कॉमसेट्स, GCU, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, इनके भी डिफरेंट शोबाजात अपने अपने ऐसे डिस्प्लेज लेकर आए हैं। लोग आमतौर पे फूड मेले और इस तरह की चीज़ें करते हैं, मगर कुछ रूहानी गिज़ा के लिए भी मेले होने चाहिए। तो हमारे हर किस्म का बहुत टैलेंट है इस मुल्क में, लोगों को डिस्कवर करने और अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि इस तरह का जो इवेंट है यूनिक है हमारे लिए, इट्स अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव। और हम देख रहे हैं कि कल कोई लाख के करीब लोग आए, आज भी मेरा ख्याल है कम नहीं होंगे। पूरे पाकिस्तान के सारे सूबों से ये बच्चे आए हैं, रिमोट एरिया से आए हैं, जो कि अंडर प्रिविलेज किड्स हैं एंड आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं। DNA मॉडल इन्होंने साइंस मेला लाहौर में प्रेजेंट किया है। साइंस मेला लाहौर ने बच्चों को मौका दिया कि ये कैसे ज़िंदगी में अपने लिए और फ़ायदेमंद और मुल्क के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल साबित हो सकते हैं।